for a photo op for these little girls, please. Yes, come. Save the girl child. Save the girl child and save humanity. Let me tell you that. Thank you. बाकी सब ठीक है, बेटियां ही अच्छी होती हैं और इतनी अच्छी लगती है मुझे बेटियां, तो मैं तो खुद लड़की बन जाता हूँ. और मैं और डिजाइनर जितने सपोर्ट करते हैं लड़कियों को, तो ये कपड़े मुझे यूनिसेक्स ही दिए हुए, कानों में कुंडल पहना दिए ने मुझे. तो थैंक यू सो मच for making me part of this wonderful cause. Thank you so much. So really, वैसे कि मोरपंख के बारे में कुछ कह दो. मोरपंख के बारे में इसको ऐसे से करो तो कुछ भी होती है. Thank you everyone. Thank you so much. I am looking very handsome. Thank you. अरे आपको मैं पहचान गया. आप जेंट्स हैं ना? ओके थैंक यू. आज के इवेंट की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और विमेन राइट्स के लिए जो भी इवेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और उसके लिए आपको औरत होने की ज़रूरत नहीं है. एंड इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत सालों से हो रहा है एंड अच्छी बात है कि अनु रंजन जी और अनुष्का इसको चला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. सो इट्स अमेजिंग और हम जैसे लोगों को आके सपोर्ट करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ. प्लस मेरी बहन आज चल रही थी, सो या आई एम हैप्पी टू बी हियर. अभी हम आज बेटी के बारे में बात करेंगे. आज बी विद बेटी के लिए हमने वॉक किया है और मुझे एक चीज़ को लेकर थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है कि बी विद बेटी अभी भी एक कॉज है. ऐसे एक कॉज नहीं होना चाहिए. बेटी को, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही नेचुरल सी इमोशन या एक थॉट होना चाहिए. सो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ कॉज एनी मोर. आपके बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई? रैंप पे चलना बच्चों के साथ, चलने बच्चे आज क्या कह रहे हैं? नहीं, बचपन में मैंने कभी रैंप पे चली नहीं. हाँ, बट बचपन में एक बार सोचा था कि रैंप पे लोग चलते हैं तो कैसे उनका पॉइज, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका सब कितना करेक्ट होना चाहिए. तो जब पहली बार रैंप पे चली थी तब बहुत नर्वस थी. अभी तो इट्स बिकम क्वाइट नॉर्मल फॉर मी. क्या प्रोजेक्ट रनिंग में, क्या प्रोजेक्ट? अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है गुड़गांव. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए. इट्स वन ऑफ माई मोस्ट टफ पार्ट्स आई हैव प्लेड इन